सुरक्षा पाई जवान को निवेदन। सोशल मीडिया रे वायरल हैला वीडियो, सीमा टपिला टीएमसी गुंडा बर्बरता। वीडियो रे लोडिले मोदी सहायता। पश्चिमबंग निर्वाचन रे फलाफल आसीबा परे रक्तमुखा होई पड़ी टीएमसी, राज्य रे खेलाई रखी आतंक राज। भंगारुजा सह घर माँ झी मान दिया जाउछि दुष्कर्म धमक, एभली एक वीडियो एवं सोशल मीडिया रे वायरल होबार लागिछे, जेउथरे कि जणे जवान निजर दुख बखाणी। पश्चिमबंग बारासत रे जवान को घर होइथिबा बेले तांको ना ल्यांस नायक बंकिम दास गुप्ता, से बे भारतीय सेना सिग्नल कोड रे कार्यरत, देश पई दीर्घ 12 वर्ष होला काम करि आसुथिबा बेले बहु बड़ बड़ ऑपरेशन रे कार्य करिछन्ते, किंतु निज अंचल रे घटुथिबा ए घटना बेस लज्जाजनक बोली से कहिछन्ते। मैं आज 3 दिन से घर से बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये डर है, ये पैनिक फील हो रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो मेरे परिवार के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने हमला बोल देगा। अगर फौजी रहते हुए ही ये फौजी के घर में इस टाइप से बर्ताव हो रहा है तो फौजी अगर यहाँ से हिल गया तो और भी कुछ कर सकता है। मैं बंगाली में भी बोल सकता था, मैं इसीलिए बंगाली में नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नेटिव लैंग्वेज बंगाली है और मैं बंगाली में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये आवाज़ है, ये जो क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदी जो हमारा राष्ट्रभाषा है, मैं इसीलिए ताकि ये हर एक व्यक्ति के कान तक जाए, हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक ये कान में जाए कि बंगाल में क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहे है। से छुट्टी रे आसीथिबा बेले तांको घर ऊपर को टीएमसी गुंडा माने आक्रमण करिछुथे। रिजल्ट बाहरिबा परे एपरी के ममता क्षमता को आसीबा परे टीएमसी आतंकराज करि चलीछ। जवान को मां बीजेपी रा जने कार्यकर्ता होइथिबा बेले तांको घरे बीजेपी रा एक छोटो पार्टी ऑफिस चलीथिला, तेणु टीएमसी गुंडा माने व्यापक भंगारुजा करिथिले, एपरी के बोमामार सह तांको मां ओ स्त्री को दुष्कर्म धमक देथिले। एने जवान जनक थाना रे अभियोग करिबा परे टीएमसी आहुरी रक्तमुखा होई पड़ीथिला। प्राय 25-30 जन गुंडा तांको घर सम्मुखरे पहुंचि पत्थर माड़ करिथिले। एने से पुलिस को फोन करिथिले, मध्य पुलिस घंटा जाए पहुंचि नथिला, जहां को नहीं से क्षोभ प्रकाश करिछन्ते। अचानक टीएमसी के लोग इकट्ठा होते रहे, तब मुझे शक हो गया कि कुछ होने वाला है। फिर मैं थाने पे रिंग कर दिया कि सर मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, फौजी बोल रहा हूँ, मेरे घर में सुबह जो हुआ था हो सकता है फिर दोबारा हो जाए, ऐसे ऐसे लोग इकट्ठा हो रहा है। तो पुलिस वालों ने मुझे जवाब में ये दिया कि हम आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हम आ रहे हैं। इन लोगों ने एक से डेढ़ घंटे तक हमारे घर में पत्थरबाजी करते रहे, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। मैं बिल्कुल चुप रहा, मुझे मेरे मदर को, मेरे परिवार को, मेरे वाइफ को, मेरे पूरे सदस्यों को बहुत बुरी तरीके से इतने स्लैब लैंग्वेजेस यूज किए, मैं वो बोल नहीं सकता हूं। ये सब करने के बाद पुलिस स्टेशन में मैं लगातार फोन करता रहा और मैं वो वीडियो भी पोस्ट करूंगा जो ये लोग पत्थर मार रहे थे, मैं उतना अच्छे से नहीं पोस्ट कर पा रहा था क्योंकि बहुत बुरी तरीके से पत्थरबाजी हो रहा था मेरे घर में। निर्वाचनी फलाफल बाहरिबा परे रक्तमुखा होई पड़ी टीएमसी, मानविकता भूली जाइछंती टीएमसी कर्मकर्ता, पोड़ा जला हणाकट ठू आरंभ करी आतंक राज रे लागिछंती दीदी को गुंडा, जहाँ को नहीं एबे सपुरी महल रे उठी प्रश्न। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।